अगर आपकी बहन बेटी किसी को ऐसा बोला जाए वो भी इतने बड़े टेलीविजन पे, तो क्या आप सहन कर सकते हो? पायल मलिक वीकेंड के वार पर घरवालों से मिली थी, जिसके बाद घर में बवाल हो गया और अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ जड़ दिया। आपको बता दें, पायल मलिक वापस आने के बाद सोशल मीडिया पर लाइव आई है, जहां पर वो अपने पॉइंट्स को वैलिड बताती हुई नजर आ रही है। उसका कहना है कि विशाल ने बिल्कुल गलत किया, अगर आपके घर पर ऐसा किसी के साथ हो तो आप क्या करोगे। विशाल को कृतिका के बारे में कोई भी बात कान में नहीं बोलनी चाहिए थी, अगर वो उसे अच्छी लगती है तो उसके फेस पर जाकर उसे बोल देता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन इस तरह से उसे गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। वहीं पर पायल ने कहा कि वो बार बार इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर रहा था कि मैं गिल्टी हूं, और उसके बाद वो लव कटारिया के कान में बोलता है। बाकी और क्या कहना है पायल का बिग बॉस के शो से वापस आने पर, आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। बारे में ये बात बोली गई थी, ठीक है, पहले उसने बोला कि मैं गिल्टी हूं, फिर उसने वीडियो में बोला कि कुछ बोलना चाहता हूँ, जब कटारी ने बोला कि नहीं तो मुझे बता क्या बोलना चाहता वरना मेरे पेट में दर्द होगा, फिर उसने बोला कि ठीक है मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, मैं कान में बोलता हूँ, फिर उसने कान में बोला कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, क्या ये सही था? अगर आपकी फैमिली में, चलो गोलू को छोड़ दो, मैं ये कहती हूँ अगर आपकी फैमिली में अगर आपकी बहन बेटी किसी को ऐसा बोला जाए वो भी इतने बड़े टेलीविजन पे, तो क्या आप सहन कर सकते हो? ठीक है, मुझे गलत लगा, मैंने वहां बोल दिया, मुझे तो बहुत गलत लगा, क्योंकि वो बाहर ऐसी चीजें दिखाई, देखो वीडियो जो है एडिट हो या पीछे से, और क्योंकि मैंने अभी जब वो स्टार्ट हुआ था ना तब भी मैंने देखा कि वो अरमान जी के लिए बोल रहा है कि अरमान जी बहुत लकी है, फिर वो जिस तरीके से गोलू को देख रहा था, क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा था वो? साढ़े चौदह हजार लोग अभी मेरे साथ लाइव बैठे हैं, ठीक है, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, किसी के पसंद होती है, पसंद की बात मैंने बोली नहीं, मैंने स्टेज पे भी ये बात बोली, अगर आपको वो पसंद है तो आप उसके मुंह पे बोलते तो बुरी नहीं लगती, पर आपने मुंह पे नहीं बोला, आपने कान में बोला, कान में बोलने से वो चीज जो है गलत पोर्ट्रे हो रही है, लोग उसे गलत सोच रहे हैं। कई सारी वीडियो भी ऐसी आई है कि कृतिका और विशाल का रिलेशन बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं उसकी जो कृतिका के बारे में वो गलत चीजें आ रही है, मुझे जो फील हो रहा है, क्या आप लोगों को फील नहीं हो रहा है? मैं मानती हूँ उसने गलत वे में नहीं बोला, उसने बाद में ये बात बोली मैंने गलत वे में नहीं बोला, लेकिन उसने बात शुरुआत होने से पहले ये बोलता कि मैं गिल्टी हूं, उसने बोला मैं गिल्टी हूं, फिर उसने जब उसने बोला कि मुझे कुछ बोलना है तब लवकेश कटारिया ने बोला कि बोल, उसने बोला कि नहीं यहां नहीं बोल सकता, उसने बोला कि नहीं मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, क्या नाम है इनका, पूजा जी, बिल्कुल किसी के बारे में ऐसे, अगर किसी के बारे में आपकी इंटेंशन सही है तो आप मुंह पे बोलोगे, वो चीज जो है बाहर गलत नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप वो चीज उसको ना बोल के किसी और को कान में बोल रहे हो, और उसने ये भी बोला है कि यहाँ पे बहुत सारे कैमरे हैं, अब जब वो बात सामने आ गई तो वो बोल रहा है कि मैंने इसलिए नहीं बोला कि वो बाहर कैसे दिखेगी, ये है वो है, क्योंकि वो बात सामने आ गई, क्योंकि वो बात मैंने स्टेज पे जाके बोल दी, तब उसने वहां पे सॉरी बोला, उसने मम्मी की कसम भी खाई है, मैं मानती हूँ उसने मम्मी की कसम भी खाई है, पर अगर वो खुद से जाके बोलता कि भाभी मैंने ऐसे ऐसे बोला है तो शायद वो इतना बुरा नहीं लगता, तब हमें लगता कि नहीं नहीं वो अच्छे वे में बोल रहा है, तो मैं इतना गलत नहीं समझती। हाँ तो